हेलो गाइस एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ फूडनिया। दोस्तों आज मैं और मेरी फैमिली आए हुए हैं अमृतसर में और हम लोगों का ये पहला दिन है। जस्ट अभी आधा घंटा पहले ही हम लोगों ने अपना होटल में सामान रखा, फ्रेश हुए और सोचा सबसे पहले क्यों ना आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा फूड एक्सप्लोर करा जाए। तो सबसे पहले जिस जगह पर हम लोग जाने वाले हैं उस जगह का नाम है ताराचंद की पनीर भुर्जी टेस्ट करने के लिए। पनीर भुर्जी इसलिए हेल्दी होता है, प्रोटीन वाला भी होता है हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए और संग में बटरी भी होता है मेरे जैसे लोगों के लिए। तो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं पनीर भुर्जी वालों के पास। आपको एड्रेस भी उन्हीं से समझाऊंगा कि भैया कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे आना है आपको। एक्चुअली मैं टेलीफोन एक्सचेंज के पास लोकेटेड है बट प्रॉपरली मैं भी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैं नया हूँ इस जगह पे। तो उन्हीं से पूछेंगे, आपको बताएंगे पनीर भुर्जी बनती कैसे और आपको टेस्ट में भी बताएंगे पनीर भुर्जी का टेस्ट कैसा है। तो आइए चलते हैं। सो गाइस ये जा रहा है हमारा अमूल बटर भुर्जी बनने के लिए और ये गैस में नमक और भैया ने गैस जला लिया। ये ऑलरेडी इसमें कई सारी पनीर भुर्जी बन चुकी है इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा पनीर लगा हुआ दिख रहा है। ये अनियन गई इसमें फ्राई होने के लिए और ये अदरक है ना भैया, अदरक ओके। और ये गया हल्का सा मिर्ची, हरी मिर्ची। सर इस शॉप को करीब कितना टाइम हो गया है यहाँ पे? 40-45 साल। बढ़िया। ये आ गया हमारा हल्का सा टमाटर ओके। आप यहाँ पे जो पनीर भुर्जी देते हैं सर ये ब्रेड के संग देते हैं ना? कलर तो बहुत ही अच्छा आ रहा है यार, देखने में कलर बहुत बढ़िया लग रहा है, मस्त। यहाँ पे मुझे हीट पता लग रही है कैमरे पे, वो आ रही है मेरे पास। कलर देखिए आप कितना सही है, मतलब टमाटर का, मिर्ची का, ये देखिए बढ़िया। और आज मेरे संग मेरी वीडियो बनाने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मम्मी आई हैं तो आज मेरी मम्मी हेल्प करने वाली हैं। ये किस चीज़ का पेस्ट है सर? बेसन। अच्छा बेसन का पेस्ट है, इसमें हल्का सा मिर्ची डला हुआ था क्या, लाल कलर हो रहा था जैसे? हल्दी। अच्छा हल्दी की वजह से। बढ़िया, ये हल्का सा पानी दिया ताकि पनीर प्रॉपरली महक हो सके। ये पनीर ओके। ये पनीर भुर्जी मिक्स हो रही है अब हमारी पनीर मिक्स करके। सर ऐसा आपका जो पनीर है ये आप खुद बनवाते हैं कहीं पे, खुद बनाते हैं या बाजार से लेते हैं? क्यों खुद बनाते हैं? बढ़िया। धनिया के सर जैसे मार्केट बंद है तो होली की वजह से बंद है? हाँ। तो दोस्तों अगर आप भी कभी आते हैं तो होली वाले दिन थोड़ा मार्केट बंद रहता है, रहने की ट्रेन छुट्टी होती है। हाँ खासकर रंग वाले दिन, छोटी होली वाले दिन जैसे कल 9 तारीख को, कल भी बनता? अपने भी बंद। अच्छा ओके। तो 9 और 10 दोनों दिन एक्चुअली मार्केट बंद ही रहता है, रंग वाले दिन अंकल की शॉप खुलती है बट अदरवाइज आपको नहीं खुली हुई मिलेगी। आप कलर देखिए यार, कलर मतलब बहुत ही लाजवाब लग रहा है, बहुत अच्छा। ये देखिए एक बार आप इस भुर्जी को गर्म होते हुए। तो ये टोटल प्लेट 120 की है राइट? 130। अमूल बटर वाली भुर्जी की प्लेट आपको ये पड़ेगी, पनीर भुर्जी की प्लेट 130 की। ये आ गई हमारी प्लेट में और इसके संग अभी ब्रेड भी आएंगी। ये सर ने हमारा इसमें जैसा मसाला डाला और ये आ गई है ब्रेड। 3 पीस आपको ब्रेड के मिलते हैं, संग में अनियन मिलती है और अभी मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें डिफाइन करता हूँ, इतने लग जाए प्लेट हमारी ओके। तो अब एक इसका फ़ोटो लेते हैं भाई, कलर में तो बहुत सही लग रही है और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। सो गाइस ये हम लोग की भुर्जी वाली, पनीर भुर्जी वाली प्लेट आ गई है जिसमें हमें 3 ब्रेड के पीसेज मिले हैं और मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा जैसे बनते वक्त भैया ने पनीर डाला था, मसाले डाले थे, हल्का सा बेसन और हल्दी का मसाला भी डाला था, वो शायद सीक्रेट रेसिपी है। और हल्का सा ऊपर हमने धनिया से गार्निशिंग करवाई है, संग में हमें हरी चटनी, ये रेड वाली चटनी, टेस्ट मीठा है या कैसा मैं आपको भी बताता हूँ टेस्ट करके। और ये हमें अनियन एक्स्ट्रा मिली है। तो भाई ये ब्रेड के संग सबसे पहले एक बाइट लेते हैं इसका और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। लाइक मैं फर्स्ट टाइम ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ और ये देखिए ये हमने लगाई पनीर भुर्जी अच्छे से ब्रेड पे। ये गया ना, ये
अगर टेस्ट की बात करी जाए पनीर का टेस्ट भुर्जी बनने के बाद जो उभर के आ रहा है शायद ही मैंने कहीं ऐसा खाया होगा। मतलब अच्छे बड़े बड़े होटल्स में भी इतनी अच्छी पनीर की भुर्जी आपको नहीं मिलती है। दिल्ली में मैंने एक दो बार बनवाई है स्ट्रीट फूड के तौर पर ठेलों पर, बट इसके मुकाबले वो कहीं भी नहीं है। खासकर जो अमूल बटर का टेस्ट है यार वो गजब है, मतलब कहना चाहिए दिल को छू लेने वाला। हम एक बार चटनी के संग भी ट्राई करना चाहूँगा, चटनी दिया तो कुछ ना कुछ तो हो गई। तो पहले ये हल्की सी खट्टी चटनी और ये हमने लगाई भुर्जी। वाह लाजवाब यार, मैं नाश्ता करके नहीं आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं नाश्ता करके नहीं आया। इतनी टेस्टी भुजिया आप प्लेट में जरा सी भी छोड़ नहीं सकते, लाजवाब। चटनी बहुत अच्छी है यार, खट्टापन है, पुदीने की भी है, क्योंकि पुदीना आ रहा है मुझे इसमें टेस्ट। और ये आती है रेड वाली चटनी है हल्की सी, ये लगाई हमने हल्की सी पनीर भुर्जी। हल्का सा मीठापन सॉस में, बट मुझे खट्टी वाली ज़्यादा अच्छी लगी यार पर्सनल लेवल पे। और भुर्जी तो जस्ट लाजवाब यार, मेरी मम्मी के मुंह में पानी आ रहा है, हम दोनों ने नाश्ता नहीं कराया। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, अमृतसर आओ तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना और इस पनीर भुर्जी को ज़रूर टेस्ट करना। जब तक देखते रहिए इस वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।